इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरत जी ने कह दिया, गुरुदेव ने समाधान दिया, सबको लेकर भगवान के शरण में आए। और फिर गुरुदेव ने कहा, हे राम जी, माताएं आपकी और प्रजाजन भरत जी सबका भाव सुनकर जो उचित हो करिए। गुरुदेव से भगवान ने कहा, प्रभु मैं स्वयं क्या करूंगा, सारा समाधान आपके कर में है। आप जिसको जो आज्ञा करेंगे उसका वो पालन करेगा। सर्वप्रथम आप मुझे जो कहेंगे मैं ही पालन करूंगा, फिर जिसको आप जो कहेंगे। रघुवंश श्रेष्ठ का सम्मान बहुत करता है। और ध्यान रखिएगा, यदि हम चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ हों तो हमारा भी सम्मान हो, तो कृपा करके हम भी सम्मान करना सीखें। अपने श्रेष्ठ का जो सम्मान नहीं करता है, उसके इतर भी उसका सम्मान कदाप नहीं करते हैं। क्यों? प्रकृति सब देख रही है। प्रकृति सब देखकर व्यवहार करती है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम जैसा करेंगे वैसा होगा। हमारे साथ कैसा होगा तो जैसा हम किए होंगे। अच्छा करने वाले के साथ अच्छा होता है, बुरा करने वाले के साथ बुरा होता है। समाधान पा ही रहे थे, इतने में जनक जी के दूत आए, मिथिलेश आए, माताएं किशोरी जी का मिलने का प्रसंग है। आगे दो बैठकें और हुई। चौथी बैठकी में समाधान प्राप्त हुआ जब गुरु वशिष्ठ जी जनक जी मंत्रणा करके भरत जी को समझाए। भगवान ने प्रस्तुत किया अयोध्या जी के जीवन में जो उत्पात भया है, गुरु वशिष्ठ ने कृपा करके संभाला। हे लाला, हम सबको योग्य है। पिताजी ने जिस वचन का पालन करने के लिए प्राण त्याग कर दिया, हम लोग उस वचन को माने और रघुवंश की परंपरा को निर्वहित करें। श्रेष्ठ भाई भाई की संपत्ति नहीं विपत्ति बांटता है। इसलिए जो रघुवंश में उचित है, मर्यादित है, व्यवहार करने योग्य है, आप हमसे भी पालन कराइए और स्वतः भी करिए। 14 साल आप अवधि में रहिए, 14 साल हम वन में रहे। इतना सुनकर भरत जी गदगद हो गए। क्यों? भगवान ने स्वयं संहार दिया हो। तब भरत जी ने कहा, नाथ भयो सुख साथ गए लहु जग जन हे प्रभु, सरकार के साथ जाने का मानो अवसर मिल गया है। प्रभु की आज्ञा प्राप्त हुई, जैसे वन वैसे अवध। हे नाथ, अब वह अवलंब प्रदान हो आपके कर कमल से, जिसके आश्रम में हम श्रीवध में 14 साल समय निकाल सके। अभिषेक की जो सामग्री है इसके लिए क्या आज्ञा है, मन माने तो ठाकुर स्वीकार करें। भगवान बोले नहीं हो। तब भरत जी ने निवेदन किया, प्रभु आपकी आज्ञा होती तो हम चित्रकूट के दिव्य
क्षेत्रों का, तीर्थों का दर्शन कर लेते जहां सरकार के सिर चरण पधारे, अवश्य करिए। श्री अत्री महाराज से अनुमति लेकर दर्शन करिए। अभी जो आप सामग्री लाए हैं उनकी आज्ञा से यथायोग्य कहीं पधरा दीजिए। देखिए, जीवन में सहज रहना सरल है, छल कपट में रहना कठिन है। लोग रह लेते हैं, बड़ी तकनीकी जानते हैं लोग, देखते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, रहते कुछ हैं, बड़ी टेक्निक जानते हैं लोग, उलझते भी रहते हैं। यहां 5 कोश है। हम भगत लोग तकनीक का प्रयोग न करें, नहीं तो किसी से किसी का पेंच निकल के किसी में चला जाएगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। भगत लोग तकनीक का प्रयोग न करें। महाराज, जो प्रातःकाल चर्चा हो रही थी, ये तकनीक अच्छी बात नहीं है, सीधा रही है। एक उदाहरण आपको देता हूं इस प्रसंग पर। ऐसे लोग हर घर में, हर समिति में, हर नगर में, गली मोहल्ले में, कानपुर नगर निगम के कार्यालय में भी होंगे। जब लाभ की बात आती है तब तो वो समझते हैं कि हाँ हमारे काम का है, और जब कहीं खर्चे का काम आता है तो कहते हैं हमको तो कुछ बुझाता ही नहीं। आप कहे तो रहे, हमको कुछ बुझाता ही नहीं है। हर घर में मिलेंगे आपको, बंटवारे में सामान कम मिल गया तो उनको खूब बुझाता है, वो आपने वो एक सोना अलग रख दिया है, उसका भी होना चाहिए। अबे तुमको तो कुछ बुझाता ही नहीं है। नहीं, देते समय नहीं बुझाता है, लेते समय तो सब बुझाता है। और समझदार इतने हैं, कहते हैं हम सुझिया हैं। क्या हैं? भरत जी ये तकनीक नहीं जानते। प्रभु ने जैसे ही कहा बांटे विपर सब मोहि भाई तुम ही अवधि भरी बड़ी कठी। भैया, 14 साल की जो विपत्ति है उसको हम सब बांट लें। विपत्ति जब बट जाती है तो कम हो जाती है। कुछ भी हो, दुख को बांटिए, सुख को जीने दीजिए, दुख बांटिए। जब दुख बंटता है तो घटता है। भगवान ने कहा, भरत जी गदगद हो गए। 5 दिन दर्शन किए चित्रकूट के दिव्य क्षेत्रों का, और अब सिर चरण में पधारे आए। 5वें दिन भोर वेला में विदा का दिन है। जो अभिषेक की सामग्री आई थी अत्री महाराज ने एक कुएं में संरक्षित करवा दी। आप जब कानपुर से चित्रकूट जाएंगे ना, दक्षिण मोड़ लेंगे चित्रकूट हेतु, उसके पहले भरत कूप पड़ता है ना, गए होंगे आप लोग। वो भरत कूप में वो कुआं है जहां अभिषेक की सामग्री गुरुदेव भगवान अत्री जी के द्वारा पधराई गई भरत जी से कह के। उस कुआं का दिव्य जल है, हम लोगों ने उसका पान किया है। आप जाएं, दिव्य। वहीं रामशयन शिला भी है, मेरे परमात्मा जहां सोए। जाइए तो दर्शन किया करिए। थोड़ा दर्शन करने से ना मन बनता है। जहां जाइए दर्शन अवश्य करिए। गए
खाए या कमरे में सोए, हाँ थकान मिटा रहे, थकान मिटा रहे, घरे रहते आने की क्या जरूरत है, थकान घर में मिटाई। जब तीर्थ में जाया करिए ना, तो तीर्थ में दर्शन करके अपने को तार लीजिए, खो खो। भगवान माँ को लेकर तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, एक ये भी प्रसंग है। युवावस्था तीर्थ यात्रा के लिए है, बुढ़ापा तीर्थ यात्रा के लिए नहीं। कल किसी ने भजन का आग्रह किया था, अब जो बुढ़ापा जिनकी आ गई है वो बुरा न माने, वो शरीर सक्षम है तो तीर्थ यात्रा जरूर करें, लेकिन जवान भाई लोग समय निकाल कर इसी में करते रहिए। काहे आजकल सबसे बड़ी जो बीमारी आ रही है ना, वो घुटने में दर्द वाली है। आप में से जो भी 60 के ऊपर होगा, 60 माने 60 किलो के, उम्र के नहीं, वो कहते ही मिलेगा अब काम नहीं कर रहा है, अब काम नहीं कर रहा है। इसका जो लैक्टिकेशन है ना, वो सूखने लगता है। तो हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं ना, वो घुटने को थोड़ा सा खींचा करिए, खींचा करिए, पंजे को ऐसे ऐसे किया करिए, योग व्यायाम किया करिए, उसमें थोड़ा अपने कर से तेल मालिश भी किया करिए, शरीर चले, और थोड़ा टहला भी करिए, क्योंकि टहलने से शरीर यह हल्का होगा। अब शरीर हल्का ही रहना चाहिए कि बाद में लकड़ी थोड़ा हिसाबे के लगे, शरीर थोड़ा कम है रखना चाहिए। क्या 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 कह दिया? अरे बेड की लकड़ी, तखत की लकड़ी, आप वहां पहुंच जाते हो तुरंत है। आजकल तो अभी कुंभ में थे हम, सो रहे थे तो उसकी पलाई करे चरर मरर, हमने कहा ये तो हद है भाई, क्या है ये। तो पलाई भी आजकल बहुत पतली आती है, हाँ बहुत वजन बढ़ा तो रोज एक से पलाई जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा जन भले बढ़े वजन कम बढ़े, है ना, जन बढ़े सब में डिस्ट्रीब्यूट हो, मेरी प्रार्थना है। ये घुटना थोड़ा चलता रहे, थोड़ा ये कंधा भी हिलता डुलता रहे, शरीर थोड़ा हिले डुले तो हल्का बना रहेगा, है ना। नहीं पता चला कि दो लोग हाथ लगा रहे हैं पीछे से, उठावो हो इनके है? एक बार मैं बहुत बुरा फंसा था, किसी को बुजुर्ग थे उठाया तो कहे कि आपने हमको उठाया, आपको भगवान उठावे। हमने कहा अरे भाई आप बाबूजी आशीर्वाद दे रहे हो कि श्राप दे रहे हो? नहीं जी आप जब ऐसे होंगे। अरे हमने कहा क्यों होंगे ऐसे, अब तो चैतन्य रहते। मेरी आपसे प्रार्थना है थोड़ा हिला डुला करिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।